सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं उमेश पांडे, आप सभी लोगों का अपने सी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा, समझ ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए ही बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे, समझोगे और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलोगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या है? ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसी पर ही आज की ये वीडियो है। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। कहीं कोई डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आखिर क्या होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्यों बनाई गई, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों चेंजेस करने पड़े, आइए जान लेते हैं एक बार सही से। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, वह सब कुछ जो आपको, आपके बच्चों को, स्वयं को आपको जानने की ज़रूरत है, इसी पर ये वीडियो तैयार की गई है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनर के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो क्या बात रखी गई है, 34 साल बाद बदली देश की एजुकेशन पॉलिसी में क्या कुछ नया आया है, इससे क्या बदलाव होगा, इसी समझें पूरी पॉलिसी के बारे में, देखते हैं क्या है पॉलिसी। तो 34 साल पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को। 3 दशक में इसमें कोई भी बड़ा बदलाव नहीं आया था। ध्यान दीजिएगा, 1986 में जो बनाई गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आज तक उसमें कोई भी बड़ा बदलाव देखने के लिए नहीं मिला था, लेकिन अब जो बदलाव आया है वो काफ़ी बड़ा है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, GDP का 6% जो एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाने का लक्ष्य रखा गया इसी के माध्यम से। उसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब प्रस्ताव पारित हो चुका है। 1986 के बाद पहली बार यानी 34 साल बाद देश की शिक्षा नीति बदल रही है। इसमें बच्चे की प्राइमरी स्कूल से लेकर एडमिशन से लेकर हायर एजुकेशन कर जॉब फोर्स से जुड़ने पर भी काफ़ी बदलाव किया गया है, काफ़ी जोर दिया गया है। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट इसरो के वैज्ञानिक कर चुके हैं या फिर रह चुके हैं। तो इसरो के वैज्ञानिक रह चुके हैं जिसमें शिक्षाविद के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व वाली कमेटी ने बनाया है इसे। तो सबसे पहले समझते चलते हैं कि क्या किए, इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिक्षा नीति लाने की जरूरत क्यों महसूस की गई, इसको थोड़ा समझते हैं। इससे पहले की शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी, ये तो क्लियर हो गया था, उसमें ही संशोधन किए गए हैं, मतलब जो नीति बनी है उसी में ही संशोधन किए गए हैं। लंबे समय से बदले हुए परिदृश्य में नीति की मांग हो रही थी। 2005 में भी कोई करिकुलम फ्रेमवर्क लागू जो किया गया था उसमें भी कोई बदलाव नहीं देखने के लिए मिला था। एजुकेशन पॉलिसी एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क होता है जो देश में शिक्षा की दिशा को तय करता है, अर्थात आप लोगों को कैसे शिक्षा देनी है ये इसी के माध्यम से तय किया जा सकता है। यह पॉलिसी मोटे तौर पर दिशा बताता है और राज्य सरकारों से उम्मीद है कि वे इसे फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर जो शब्द आया है कि राज्य सरकारों से उम्मीद है कि वे इसे फॉलो करेंगे, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आप लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो ध्यान दे दिया, अब ये जो प्रोजेक्ट है ये केंद्र सरकार का है, तो इसका मतलब सबसे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति फॉलो होगी तो CBSE बोर्ड वाले विद्यालयों के लिए पहले लागू होगी। अगर राज्य सरकार इस नीति पर या इस नीति को अपने राज्य में चलाना चाहेगा तो बिल्कुल उसे जो है फॉलो करना पड़ेगा। तो इस नीति को उसको क्या करना पड़ेगा, अपने राज्य में फॉलो करना पड़ेगा जो भी नीतियां हैं इसकी बनी हुई। तो सबसे पहले केंद्रीय जो विद्यालय आते हैं ये सब फॉलो करेंगे इनको। इस पर जो भी पॉजिटिवनेस या फिर ये भी कह लें कि जो कुछ भी जो स्ट्रगल्स होते हैं, संघर्ष जो कुछ देखने के लिए मिलेंगे, इसमें कुछ और चेंजेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये तो बात की बात है। फिलहाल ये जो नीति है ये राज्य सरकार अपने हिसाब से इस पर फैसला लेगी, फिलहाल आगे देख लेते हैं। हालांकि इनमें उनके लिए यह करना अनिवार्य नहीं है, हालांकि कोई उन पर प्रेशर नहीं दिया गया कि उनको अपने स्टेट्स में ये चलाना है या नहीं। ऐसे में यह पॉलिसी CBSE तो लागू करेगा ही, सिंपल सी बात है। केंद्रीय जो CBSE वाला जो पैटर्न है वो केंद्रीय से ही रिलेटेड है, तो राज्य में अपने अपने स्तर पर फैसले लिए जाएंगे, अर्थात ये ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्य एकदम से इस पॉलिसी को अपनाएं। तो फिलहाल यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सब लोग जो है इसको फॉलो करें, यह बदलाव जल्द नहीं होंगे बल्कि समय समय लग सकता है। यह एक प्रक्रिया के शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए, स्कूल शिक्षा के नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तौर पर स्कूल करिकुलम के ओवरऑल जो बनाया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, इसे नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो NCERT होता है वो इसको जो है आगे बढ़ाएगा। NCFSC ये भी आप लोगों ने सुना होगा, इसी के आधार पर जो किताबों का रिवीजन होता है, इसी तरह से जो रिवाइज होंगी किताबें आप लोगों की। तो NCERT ने 2014 के बाद 2 बार स्कूल की टेक्स्ट बुक का रिवीजन किया है। आप लोग जानते ही होंगे आपके जो स्कूल्स वगैरह हैं उसमें जो NCERT की बुक्स चलती हैं, इसमें कई तरह के रिविजन देखने के लिए मिले हैं। अब बात करते हैं आपके सामने एक
चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है एक कैबिनेट तैयार की गई थी 29 जुलाई 2020 को। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या ब्यूरो नेशनल मीडिया सेंटर को जो ये बताया गया था, तो उनके जो सामने आपके लिखे हैं सामने जो जिन्होंने ये बात रखी थी, तो अब और क्या अलग होगा शिक्षा जगत में इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत तकनीकी संस्थानों में जो भी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के विषय पढ़ाए जाएंगे, इसका मतलब जो भी टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें आर्ट्स के साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। साथ ही देश के सभी कॉलेजों में म्यूज़िक थिएटर जैसे कला के विषयों के भी अलग अलग विभाग स्थापित करने पर जोर दिया जाएगा। इसका मतलब हर एक स्कूल में म्यूज़िक थिएटर जैसे कला के विषयों के लिए अलग विभाग बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने HRD ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी भी दे दी है। तो ये भी अच्छी बात है कि जो पहले नाम था वो फिर से वापस आएगा। तो मिनिस्ट्री का नाम बदला जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है जिसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करने की मंजूरी भी दे दी गई है। दुनिया भर की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को भारत में अपना कैंपस बनाने की अनुमति भी दी जाएगी। इसका मतलब दुनिया भर की जो भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहाँ पर भारत में अपना कैंपस बनाने की उनको अनुमति दी जाएगी, वो अपने देश से यहाँ पर जो है अपने कैंपस को बना सकते हैं। IITs जो होते हैं, कई तरह के IITians होते हैं, तो समय देश भर के समस्त तकनीकी संस्थान होलिस्टिक अप्रोच समग्र दृष्टिकोण को अपनाएंगे। जो भी इसमें बताया गया उसको अपनाना पड़ेगा उनको। इंजीनियरिंग के साथ साथ तकनीकी संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा, जोर दिया जाएगा। देश भर के सभी इंस्टीट्यूट में एडमिशन्स के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम आयोजित कराए जाने की बात कही गई है। ध्यान रखना, देश में, भारत देश में कई तरह के इंस्टीट्यूट हैं जहां एडमिशन के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या कराए जाएंगे, आयोजित किए जाएंगे। उसके आधार पर आप लोगों को क्या मिलेगा, सेंटर अलॉट होंगे। यह एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज कराएगी जो जानी मानी संस्था है। हालांकि यह ऑप्शनल होगा, अर्थात जो कुछ भी आप लोगों से एग्ज़ाम के तौर पर पूछा जाएगा वो ऑप्शनल होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा। सभी स्टूडेंट के लिए इस एग्ज़ाम में शामिल होना अनिवार्य नहीं रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है सभी लोग इसमें शामिल रहें। स्टूडेंट अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी ऑनलाइन कोर्स कर सकेंगे। ऑनलाइन कोर्स का मतलब होता है ऑनलाइन फोकस किया जाएगा। जैसे आप लोग इस समय देख ही रहे होंगे कई तरह के स्कूल्स कॉलेजेस ऑनलाइन की स्टडी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया है, जोर दिया गया है। तो स्टूडेंट अब क्षेत्रीय भाषाओं में, क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब उनकी खुद की बोली जाने वाली जो भाषा होगी, या फिर ये कह लें कि जो क्षेत्र उनके अंतर्गत आएगा उसी भाषा में उनको जो है एक्सप्लेनेशन थ्योरी समझाई जाएगी। 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा कन्नड़, उड़िया, बंगाली आदि ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे। वर्तमान में अधिकतर ऑनलाइन कोर्स इंग्लिश और हिंदी में ही उपलब्ध थे, अब आप लोगों को उड़िया, कन्नड़ भी मिलेगा। नई शिक्षा नीति GDP का 6% हिस्सा एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया, ये आप लोगों को पहले ही पता चल चुका है। वर्तमान में केंद्र और राज्य को मिलाकर GDP का कुल 4.43 बजट ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो अब क्या है, 6% खर्च किया जाएगा। पूरी शिक्षा नीति को समझने के लिए हमने देश के बड़े विशेषज्ञ, इसका मतलब कई तरह के विशेषज्ञों का संपर्क किया गया था और उसको सरल भाषा में आपके सामने इसे पहुंचाया गया है। तो कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखे गए, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। स्कूल में पढ़ाई के ढांचे किस तरह का बदलाव दिखेगा, स्कूल में पढ़ाई के ढांचे में किस तरह का बदलाव दिखेगा, तो पूरी व्यवस्था ही बदल चुकी है। मौजूदा व्यवस्था में 3 स्तर हैं और नए सिस्टम में 5 स्तर हैं। तो इस समय जो व्यवस्था है एजुकेशन की, शिक्षा की जो व्यवस्था की गई है वो कितने स्तर में होती है, 3 लेवल में है। लेकिन जो अब नई पॉलिसी के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है तो उसमें टोटल लेवल कितने आएंगे, 5 आएंगे। या हर एक स्तर पर हुनरमंद नई पीढ़ी बनाने के लिए दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल होगी, अर्थात हर एक लेवल पर एक हायर एजुकेशन के तौर पर देखा जाना चाहिए इसको। तो कई तरह की टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आ चुकी हैं, इसे ग्राफिक्स की मदद से आप लोग देख सकते हैं, तो अच्छी बात है। भास्कर ने आप लोगों के सामने ये अच्छी एक्सप्लेनेशन थ्योरी समझाई है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपके सामने एक ढांचा दिखाई दे रहा होगा कुछ इस प्रकार से, छोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, तो कुछ ढांचा इस प्रकार से दिख रहा है, मौजूदा समय का ढांचा और जो नया ढांचा तैयार किया गया है आप लोगों को दिख रहा होगा। नए ढांचे में 5 से 3, 4 के आंगनबाड़ी प्री स्कूल में 3 वर्ष जाएंगे, जबकि 12 साल का जो बच्चा होगा वो स्कूल में पढ़ेगा। मौजूदा ढांचे में आंगनबाड़ी प्री स्कूल में 2 वर्ष और 12 वर्ष में स्कूल जा रहे हैं, जबकि आप लोग जान ही गए होंगे किस प्रकार से यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन समझाया गया सेकेंडरी स्टेज में क्या करना है। तो सेकेंडरी स्टेज में मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, विषयों के चयन पर लचीलापन होगा और बच्चों की रुचि का महत्व रखा जाएगा। तो मिडिल स्टेज में जो थी, आप लोग ध्यान से समझें, 4, 3, 3, 5 इस पर रखा गया। तो सेकेंडरी स्टेज में आप लोगों को समझ में आ गया जो 4 स्टेप पर थी
उसके बाद मिडिल स्टेज का मतलब यहाँ पर 3 स्टेज में जो दे रखा है, तो आप लोगों को 3 साल यहाँ पर गुजारने पड़ेंगे। तो 3 साल का मतलब यहाँ पर आप लोग मैथ साइंस, आर्ट, सोशल साइंस और ह्यूमनिटीज में एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड लर्निंग कोर्स यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीसेप्टरी जो कोर्स होते हैं, प्रिपरेटरी कोर्स जो होते हैं जिसमें आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, ये स्टेज होता है, इसको मान सकते हैं ये आपका एक तरह से प्राइमरी कह सकते हैं। उसके बाद फंडामेंटल आता है। तो यहाँ पर पढ़ाई खेलकूद से जुड़ी खोज पर एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव लर्निंग पर फोकस की जाएगी आप लोगों की। तो यहाँ पर कक्षा 3 और 5 के बारे में बात हो रही है, तो 3 से 5 तक की जो पढ़ाई होगी आप लोगों की वो खेलकूद से जुड़ी रहेगी, खोज परख होगी, एक्टिविटी बेस्ड होगी और एक्टिव इंटरेक्टिव लर्निंग बेस्ड होगी। यहाँ पर फंडामेंटल जो सबसे बेस आप लोगों को तैयार किया जाएगा वो कहाँ पर तैयार किया जाएगा, 5 का मतलब थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर मल्टी लेवल प्ले होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कोर्स कराया जाएगा। इसका मतलब जब आप लोग एडमिशन्स लेते हैं, छोटे बच्चे जब मतलब एडमिशन लेते हैं स्कूल में, तो यहाँ पर स्कूल का जो नाम है यहाँ पर आंगनबाड़ी और प्ले स्कूल बालवाड़ी जिसका नाम रखा गया है, यहाँ से शुरुआत होगी। फंडामेंटल स्टेज इसको बोला गया है। इसी में मौजूदा सिस्टम में 6 वर्ष का बच्चा कक्षा 1 में आता है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर रखा गया। आज का जो सिस्टम है उसमें जो 6 वर्ष का बालक होता है वो कक्षा 1 में आता है। नए सिस्टम में ज़्यादा बदलाव नहीं है, इसके लिए भी मूल ढांचे में थोड़ा बदलाव किया गया। देख लेते हैं, 6 से 9 वर्ष के बच्चे के बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर फोकस होगा। इसके लिए नेशनल मिशन तैयार किया जाएगा, पूरा फोकस होगा। 3 साल तक के बच्चों का जो फाउंडेशन मजबूत बना रहे इस पर भी कई फोकस किए गए हैं। कक्षा 5 तक आते आते बच्चों का भाषा और गणित के साथ उसके स्तर का सामान्य ज्ञान होगा। डिस्कवरी और इंटरेक्टिवनेस इसका आधार होगा, यानी खेल खेल में सारा सिखाया सारा ज्ञान उनको दिया जाएगा। कक्षा 6 से 8 तक के जो मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज होते हैं उसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा, एक्टिविटीज़ के जरिए पढ़ाया जाएगा। क्लास 6 के जो बच्चे होंगे उनको कोडिंग सिखाई जाएगी। 8 तक के बच्चों का प्रयोग के आधार पर सिखाया जाएगा, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस उनको रिसर्च कराए जाएंगे। कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स होंगे। यदि बच्चे में रुचि संगीत में है तो वह साइंस के साथ म्यूजिक ले सकेगा। ध्यान दें, यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चा संगीत में रुचि ले रहा है तो साइंस सब्जेक्ट के साथ म्यूजिक ले सकेगा। केमिस्ट्री के साथ बेकरी कुकिंग भी कर सकेगा। तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों को एक यहां पर अलग से कोर्स दिया जाएगा। कक्षा 9 से 12 तक के जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा, इसमें जब बच्चा 12वीं क्लास से पास करके निकलेगा तो उसके पास एक स्किल होगा, ऐसा स्किल होगा जो आगे चलकर आजीविका के रूप में काम आ सकता है। तो आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के CEO आकाश चौधरी के मुताबिक नई व्यवस्था हुनर आधारित शिक्षा का महत्व बढ़ाएगी, युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाएगी। अब बात करते हैं, कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं इनको थोड़ा समझ लेते हैं। बोर्ड परीक्षाओं का क्या होगा? तो नई शिक्षा नीति में नियमित और क्रिएटिव असेसमेंट की बात कही तो गई है। कक्षा 3, 5 और 8 की स्कूली परीक्षाएं बिल्कुल होंगी। इसे उपयुक्त प्राधिकरण संचालित करेगा, मतलब जो प्राधिकरण बनाया जाएगा इसके लिए वही संचालित करेगा। कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी, लेकिन उनका स्वरूप बदल जाएगा। तो क्या बदल जाएगा देख लेते हैं। नया नेशनल असेसमेंट सेंटर परक मानक निर्धारक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। अब क्या होता है ECCE फ्रेमवर्क, इसकी चर्चा भी हो रही है, बात करते हैं ये होता क्या है। तो देखते हैं, ECCE का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके तहत बच्चों को बचपन से जिस प्रकार से उनकी देखभाल की जाती है उसी प्रकार से यहाँ जो उनकी आवश्यकता होती है उसे शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया है। NCERT के लिए नेशनल कोर्स और एजुकेशनल स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। बच्चों की देखभाल और पढ़ाई पर फोकस रहेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बेसिक टीचर्स की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 से 8 वर्ष के आयु के जो बच्चे होंगे उनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से में यानी 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा जो ECCE में रहेगा, जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ चुके हैं ऊपर। इसके बाद 8 वर्ष का होने पर वह प्राइमरी में पढ़ेगा। बात करते हैं, व्हाट इज ओपन लर्निंग ऑप्शन है क्या? तो ओपन लर्निंग ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि कक्षा 3, 5 और 8 के लिए ओपन लर्निंग का विकल्प रहेगा, ताकि स्कूल से बाहर रहे 2 करोड़ छात्रों को पढ़ाई से फिर से जोड़ा जा सके। मतलब बिल्कुल सही है, यहाँ पर फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया है इसमें ऐसे बच्चों को भी जोड़ा गया है जो स्कूल के बाहर हैं, स्कूल तक नहीं आ पा रहे, इनको भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से वो बच्चे स्कूल में अपने आप को जोड़ सके। इसके साथ साथ कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, वोकेशनल कोर्सेस, वैक साक्षरता और लेवलहुड प्रोग्राम प्रस्तावित किए गए हैं। सभी को पढ़ाई पर बराबरी के हक मिले, इसके लिए सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित ग्रुप्स SEDG पर विशेष जोर रहेगा। इसके लिए विशेष फंड रखा जाएगा।
बात करते हैं क्या होता है इंटर्नशिप का कंसेप्ट, समझ लेते हैं। फिलहाल शिक्षा का फोकस इस बात पर है कि कैसे लाभ हासिल किया जाए, लेकिन नए सिस्टम में पूरा फोकस व्यवहार पर आधारित शिक्षा पर ही होगा। स्कूलों में कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, इसमें इंटर्नशिप भी शामिल होगी ताकि बच्चों को पास के किसी भी उद्योग या संस्था में ले जाकर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिया जा सके। तो 6 से ही बच्चा व्यावसायिक रूप से अपने आप को व्यावसायिक कर लेगा। आप बात करते हैं क्या है त्रिभाषा फार्मूला। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा क्षेत्रीय भाषा में ये सब कुछ पढ़ाई होगी। त्रिभाषा फार्मूला का मतलब नई शिक्षा नीति कम से कम कक्षा 5 तक के समस्त बच्चों को बातचीत का माध्यम मातृभाषा में रखेगा या फिर स्थानीय भाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में रखेगा। तो आप लोगों को मिल गया त्रिभाषा फार्मूला आखिर है क्या। तो एक हो गई मातृभाषा, बच्चों को सिखाना है तो उसकी मातृभाषा में सिखाएं, बच्चों को सिखाना है तो उसकी स्थानीय भाषा में सिखाएं, या फिर बच्चों को सिखाना है तो उसकी क्षेत्रीय भाषा पर ही आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। अन्य कोई भी भाषा यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब बात करते हैं छात्रों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को विकल्प के रूप में चुनने का अवसर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि उच्च शिक्षा में जाते जाते आप लोग संस्कृत विषय को एक विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। त्रिभाषा फार्मूला में यह विकल्प शामिल रहेगा। अब तो अच्छी बात आप लोगों के सामने आ गई। पारंपरिक भाषाएं एवं साहित्य भी विकल्प में रहेंगे। कई विदेशी भाषाओं को माध्यम शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत या फिर भारतीय संकेत भाषा यानी साइन लैंग्वेज को मानकीकृत किया जाएगा और बधिर छात्रों के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री व्यवस्थित की जाएगी। अब बात करते हैं क्या होता है, स्कूलों का ढांचा किस प्रकार से बदलेगा। इसको अगर ऐड कर देते हैं सभी राज्य सरकार इसको फॉलो करती हैं तो किस प्रकार से इसका जो है बदलाव होगा, तो देख लेते हैं। स्कूलों के प्रशासनिक ढांचे को कई स्तरों पर बदला जा सकता है। स्कूलों के परिसरों या क्लस्टरों में बांटा जा सकता है। जो गवर्नमेंट से मूल इकाई होगा, मतलब गवर्नमेंट के आधारित जो चलेगा, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स। तो बात करते हैं अथॉरिटी बनाएंगे, उनके बाद अथॉरिटी बनने के बाद SCCIT संबंधित परामर्श कर स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फॉर्मेट बनाएगी। हायर एजुकेशन के लिए क्या सोचा गया इसके द्वारा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एनरोलमेंट बढ़ाना है। एनरोलमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा स्कूल तक पहुँचे, तो स्कूल तक पहुँचने के लिए एनरोलमेंट बढ़ाना बहुत आवश्यक है। तो अब बात करते हैं वोकेशनल के साथ साथ हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 26.3% 2018 से बढ़कर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। तो अब नई सीटें जोड़ी जाएंगी, इसका मतलब एनरोलमेंट भी बढ़ाया जाएगा। कॉलेज में एग्जिट विकल्प होंगे। अंडर ग्रेजुएट शिक्षा 3 से 4 वर्ष की होगी। एक साल पर अगर आप लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं तो एक साल पर आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष पूरा होने पर आप लोगों को एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 वर्ष होने पर ग्रेजुएट की डिग्री आप लोगों के हाथ में दी जाएगी। उसके बाद 4 वर्ष, इसका मतलब अगर आप लोगों को हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है तो 4 वर्षों के बाद शोध के साथ ग्रेजुएट आप लोग कहलाएंगे। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छा विकल्प मिल गया कि अगर आप लोगों ने आगे भी सोचा है हायर रिसर्च एजुकेशन बेस में अगर आप लोग सोच रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये लक्ष्य बहुत अच्छा है। एक एकेडमिक बैंक और एक क्रेडिट की स्थापना की जानी है, जिससे कि जो इन्हें अर्जित अंतिम डिग्री की दिशा में अंतरित व गणना की जा सके। तो अब बात करते हैं अन्य क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में बैठेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी का ढांचा किस प्रकार से बदल सकता है इसको करने से, तो बिल्कुल बदलेगा। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर समस्त हायर एजुकेशन के लिए हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया SECI बनाया जाएगा या UGC की जगह लेगा। तो बात करते हैं UGC जो अभी तक चल रही थी उसकी जगह कौन लेने वाला है, HECI। तो इसका मतलब हो गया हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये जगह ले लेगा UGC की। तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बढ़ाई जाएंगी या बनाई जाएंगी या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगी और टॉप बॉडी के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, जिसके उद्देश्य हायर एजुकेशन रिसर्च को एक कल्चर के रूप में विकसित करना और उनकी क्षमता को बढ़ाना रहेगा। तो ये बात थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये नीति समझ में आ गई हो, किस प्रकार से जो क्वेश्चन के माध्यम से, ये जो भास्कर के माध्यम से आप लोगों ने जानकारी इकट्ठा की है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब करोगे और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।